किसान भरावो सत श्री अकाल, मैं प्रगट सिंह फसलों की जानकारी तो लगातार नरमे दे नाल संबंध झोने संबंध नाल तुहाडे सामने वीडियो पेश करते रहने पर झोने की फसल चल रही आ, नरमे की फसल अगेती बिजाई की हुई है। नरमे की फसल में लग्या होया लगभग 40 तो लैके 70 दिन हो चुके, कई खेतों के फुल आने शुरू हो चुके हैं। बहुत वड्डे एरिए गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा वड्डा हमला होने की आशंका, कितने ना कितने ये जिहड़े लार्वा वह फुलां दे विच भी दिखाई देन लगे आ। आपां मार्च महीने तो ही एक पैंपलेट बना के किसानां दे वट्सएप ग्रुपां दे विच ते फिजिकली भी उन्हां नूं मिल के काफ़ी मात्रा दे विच वंडिया, जिहदे विच आपां उस इनसैक्ट दे मतलक जरूरी जानकारी नूं सांझा कीता ते मोटे मोटे शब्दां च लिखिया कि जिहड़े ट्रैप है, भावें लाइट ट्रैप है, भावें कोई फेरोमैन ट्रैप है, जां कोई ल्यूर आ, जां तुहाडा कोई ट्यूब टाइप आ, जां तुहाडा कोई टीका टाइप आ, जां कोई रस्सी टाइप आ, तारनुमा इनसैक्ट कंट्रोल करन वाला ट्रैप तुहाडे खेत दे विच लग रहा है, तां किसी भी तरीके दे नाल ओह सुंडी नूं घटा नहीं सकता किसी भी तरीके दे नाल, क्योंकि जिहड़े भी ट्रैप आंदे हैगे आ ओह एक इंडीकेशन दे सकदे हैगे आ कि तुहाडे खेत दे विच हमला शुरू होण वाला। पिछली बार दी गल करिए जिहड़े खेतां दे विच ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच इहदा हमला होया तां जदों लोक अपने फ्रेंड्स के सर्कल दे विच जां अपने रिश्तेदार सर्कल दे विच गलबात कर रहे थे, जानकारी सांझी करते कि साढ़े सुंडी दिखाई दी, साढ़े नरमा सारा खत्म हो चुका, तो वह तुसी भी आपदे रिश्तेदारों जा साख संबंधियों फोन करते होंगे तो उत्थों एक तुहानू मैसेज मिलता होगा, जानकारी मिलती होगी कि साढ़े हजे तक सुंडी देखण नूं भी नहीं हैगी। तां उत्थे ट्रैप काम कर सकदे आ कि तुहानू सुंडी नहीं दिखाई देती हैगी, सुंडी के पतंगे तुहानू ट्रैप के मिल जाएंगे, तो एक इंडीकेशन मिल गया कि सुंडी आने के आसार बने हुए है, आप पहले ही कोई स्प्रे कर लीए। हजे तक यह जी कोई भी स्प्रे नहीं बनी हैगी कि गुलाबी सुंडी टींडे गई हुई फुल गई हुई मार दे। तुसीं डायरैक्ट स्प्रे पानी दे विच घोल के स्प्रे करदे हो, डायरैक्ट स्प्रे टींडे दे उपर कल्ली निरी स्प्रे जिहड़ी तुसीं 200-200 ml करदे हुंदे हो उहदे वी चार छिट्टे तुसीं टींडे दे उपर मारदे हो तां उह दवाई इन्नी सक्षम नहीं हैगी कि टींडे विचली सुंडी नूं मारिया जा सके। हाँ, इन्हां दे पतंगियां नूं एस पी ग्रुप नाल मारिया जा सकदा, अगर कोई सुंडी पत्ते दे उपर आ जां पंखड़ी दे उपर आ टींडे दी तां उहदे नाल कोई दवाई आ जिहड़ी एस पी ग्रुप दी स्पर्श हुंदी आ, स्प्रे करदे हां आपां उहदे संपर्क दे विच आ जांदी आ, उह मौने मर जाणा। उन्हें सारिया सिंथैटिक सरेहां फिप्रोनिल है जां तुहाडी ट्राइजोफोस आ, वैसे हुण मार्केट दे विच बंद हो चुकी है, साइपर आ, फैनवल रेट आ, जां मोनो आ, जां एसीफेट आ, लैमडा साई हैलोथ्रेन आ, जां साइपर मैथ्रेन आ, प्रोफेनोफोस आ, बहुत सारिया दवाइया जिन्हां दे करके नरमे की फसल के उपर चिट्टे मच्छर की आशंका वधन की आशंका हुंदी आ, जां वधन दे चांसिस हुंदे आ, पर गुलाबी सुंडी उहनां दे नाल मर जांदी है। कंडीशन यह होनी चाहिए कि दवाई वह सुंडी दे उपर पैनी चाहिए। सो मोटिया मोटिया मैं जानकारियां पहला भी सांझियां कीतियां, इस बार फिर मैं दोबारा एक सीरीज शुरू कर लग्या नरमे दे नाल संबंधित कि आपां जिहड़ी पिछली बार बुक रिलीज़ कीती सी उहदे विच नरमे दे नाल संबंधित काफ़ी ज़्यादा जानकारियां जिहड़ियां फार्मर लैवल ते अजमाइयां जा चुकियां वह आपां इक बुक दे विच बंद कीतियां सीगियां, जिन्हां किसानां ने पढ़ी आ उन्होंने बहुत सोहना लाहा लिया। नरमे दे उपर जिहड़ा पिछली बार बहुत वड्डे एरिए दे विच मेजर अटैक होया सुंडी का, गुलाबी सुंडी का, क्योंकि अजिही सुंडी है जिहड़ी होर किसी फसल दे वल देखदी तक नहीं हैगी, उन्हों खांदी तक नहीं हैगी, हजे तक इन्हां दे नेचुरल प्रेडेटर नहीं आए हैगे। सुंडी नूं खाण वाला कोई भी हजे तक जिहड़ा गुलाबी सुंडी की गल कर रहे हैं कि इहनूं खाण वाले हजे तक कुदरत द्वारा जिहड़ी इहनां नूं खाण दे विच इक कुदरती फौज तैयार हुंदी है, कीड़े मकौड़े तैयार हुंदे आ, उन्हां दी संख्या हजे बहुत घट है। जिन्हां खेतां दे विच पिछले 5 सालों तो इहदा हमला नोट किया गया उत्थे हुण इहदा हमला कोई ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच नहीं हुंदा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि उत्थे इहदा हमला बिल्कुल भी नहीं हुंदा, पर जिथे आपां एक सोशल इशू चक रख्या है कि छटियां दे नाल इहदा हमला अगे वध रहा है, कोई शक नहीं इहदे विच कि उह एक सोर्स हैगा, पर जिन्ना चिकर नैचुरल एनमी इस इनसैक्ट दे एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन्ना चिकर आपां नूं एक क्रॉप प्रैक्टिस वक्खरे तरीके नाल अपनाउणी पवेगी। जिन्हां खेतां दे विच पिछली बार चंगे झाड़ आए है, जिन्हां किसानां ने 15 मण 20 मण 25-30 मण भी नरमा लिया गुलाबी सुंडी दे हमले होण तों बाद भी, तां उन्हां किसानां तों सिखण दी लोड़ आ, नरमा विरला करन दी लोड़ आ,
नरमा जेकर तुहाडे कोल तीन पाड़े का नरमा लग्या होया तो तुसीं उसनू इन्ना क बिरला करो कि नरमा जो पहला खड़ाक लवेगा उदों तक बूटे नू बूटा टच ना करे। 4x4 फुट ते कर सकदे हो। बहुत ज़्यादा चंगीआं जमीनां दे विच जिथे नहरी पानी भी लगदी है उन्हां खेतां दे विच जिथे नरमे चंगे रहिंदे आ, ज़्यादा कद काठ करदे आ, ज़्यादा फलाव करदे आ, ज़्यादा खादा नहीं लैंदे हैगे, हरापन ज़्यादा रहिंदा, पत्तियां दे विच सडोल पसपन रहिंदा हैगा, उत्थे घट पानी घट खादा की वरतों करनी है। नरमे नूं बहुत ज़्यादा बिरला करना तां कि नरमे दे उपर होर जिहड़े हमले हुंदे आ इनसैक्ट वगैरह दे उह वी घट होण। गुलाबी सुंडी का हमला भी उत्थे ही ज़्यादा वेख्या जाता जिथे नरमे दे विच कच्चापन ज़्यादा रहिंदा, नरमे दे विच ओवर क्लोरोफिल रहिंदी है, नरमा ज़्यादा सघना लग्या होया तां उह वड्डी मात्रा दे विच बूटां दे उपर जिहड़े फुल निकलण वालियां डोडियां स्केयर लगे हुंदे आ उहनां नूं टारगेट करदा जां फुल्लां नूं टारगेट करदा ते उस तों बाद टिंडियां दा टारगेट बणदा। सारी फसल दे विचों लगभग 60% फसल ये कीड़े द्वारा खाधी जाती है। पिछली बार आपां देखिया आपां नूं सुंडी वैसे लभ नहीं रही सी पर टिंडियां दे विच जदों तोड़दे सी तां आपां नूं सुंडी लभ रही सी, तां आपां ये कह रहे सी वी टिंडे दे विचों सुंडी पैदा हो रही है। ये एक वक्खरा विशा गा, ये इनसैक्ट का एक करैक्टर आ जिहड़े पिछले 22 सालों तो बाद इहदा वड्डा अटैक देखण नूं मिलिया हैगा, तां उदों नालों हुण इहदे काफ़ी ज़्यादा करैक्टर आ जिहड़े उह चेंज हो चुके आ। इह हुण कुदरती रूप दे विच अपने आप नूं मल्टीप्लाई करके अपनी फसल दे विच इह आया, अपने फसल दे विच सिर्फ ते सिर्फ इह पत्तियां नूं छड्ड के टाहणी जड़ां सारे पासे नूं छड्ड के सिर्फ फुल नुमा भाग जां स्केयर ते जां फिर आखर नूं टिंडा इसे नूं ही टारगेट करदा। पिंक बॉल वॉरम आ जिवें पिंक स्टैम वॉरर आ वो तने नूं टारगेट करती आ, वह होर फसलों पर भी दिखाई दे जाती है, कणक झोने तो सेम ही चल जाता काम, पर पिंक बॉल वॉरम यह टिंडे की सुंडी है, इनू टिंडे नूं फुल नरम भागा नूं टारगेट करना, यह होर किसी फसल से ज नरमे के किसी होर भाग से भी हमला नहीं करती हैगी। सो समय समय सिर तुहाडे नाल जानकारियां साझियां करांगे, पर जिहड़ियां इक झूठियां जानकारियां फेसबुक जरिए फैलाईयां जा रही कि तुसीं ट्रैप लाओ 2, 4, 5, 6, 8, 10 जिन्हें मर्जी ट्रैप तुसीं एक एकड़ विच लगाओगे उहनां दे नाल जस्ट इंडीकेशन आ, जिवें आपां इक घर दे विच CCTV ला दिंदे आ तां उह इक चोर दे आउण दी फोटोग्राफी कर सकदा, वीडियोग्राफी कर सकदा, उहनूं फड़ नहीं सकदा। ठीक है, इंडीकेशन वो तो वो कोई सेंसर ला दोगे इंडीकेशन हो सकती है, पर कोई भी सेंसर चोर नू फड़ नहीं सकता है। इस तरीके जिहड़ा आप ट्रैप लाए हैगे आ इहदे नाल सिर्फ इंडीकेशन हुंदी है कि अपने खेत दे विच होण वाला हमला जिहड़ा उहदी आमद शुरू हो चुकी है। तुसी सचेत हो जाओ, तुसी खेत दे विच गेड़ा रखो, जिहड़े भी एफर्ट तुसी कर सकते हो स्प्रे रूप का विच कर सकते हो, तुसी फसल नूं विरला कर सकते हो, ज़्यादा मात्रा विच फसल नूं यूरिया नहीं देना हैगा, ज़्यादा मात्रा विच DAP नहीं देनी हैगी है, खादा की संतुलित वरतों आम नालों घट करनी है। ऑर्गेनिक नरमा जिवें आपां सुणदे हुंदे आ उस तरीके वाल आपां नूं वधना पऊगा। प्लांट नूं आपदी क्षमता अनुसार जिथे उहदी 15 मण जां 20 मण 25-30 मण ईवन के 40 मण नरमे की प्रोडक्शन का पोटेंशियल कॉटन के हैगा तो अपना टारगेट सिर्फ 8 क्वांटल तक हैगा अज के मुताबक। आने वाले समय के 1 साल के 2 सालों के नेचुरल प्रेडेटर नेचुरल एनमी इस इनसैक्ट के सामने आने यदा हमला हर बार होगा, पर हमला अपने कंट्रोल च रहा करेगा। जिस तरह जुखाम की अजे तक कोई दवाई नहीं लभी हैगी, बुखार की कोई दवाई नहीं लभी हैगी, पर जदों भी हों जिड़ियां दवाइया पहला चल रही सी उ हूँ यूज़ हो रही, पर कदे ना कदे कोई इस तरह का अटैक बॉडी ते हुंदा जिहदा अपनी बॉडी दे विच उहदी फोर्स डिवेलप नहीं हुई हुंदी, जिवें करोना वायरस आया सीगा कुछ जगह ते आया ही नहीं सीगा, हंबला मचा दिता गया कुछ जगह ते, लोगों नूं आउण तों बाद सच जाणू होया, पर हजे उह ज्ञान ही इत्थे ही आ मार्केट दे विच ही हैगा, लोगों के अज भी उह इनफैक्ट कर रहा हैगा। पर ये कहीए कि आपां उहदा कोई पूर्ण तौर पर पक्का हल लभ गया है जां अपनी बॉडी दे विच प्रतिरोधता आ चुकी है तो ये गल नूं आपां मन्नण लई तैयार होना पैना कि उहदी अपनी बॉडी दे विच प्रतिरोधता आ चुकी है। जेकर आपां नूं हुंदा दुबारे उह तां अपनी जिहड़ी चिट्टे सैलां की अपनी फौज अपने अंदर बैठी उहदे नाल लड़दी हैगी है। सो कॉटन दे विच हजे तक ना कोई जीन इदां दा आया भी जिहड़े नरमे नूं सुंडी ना पैंदी होवे गुलाबी सुंडी, ना ही कोई स्प्रे इदां दी आई है कि उस दे करन दे नाल कोई 1-1.5 महीना इह सुंडी आउंदी ही ना होवे। सो ग्रीन लेबल स्प्रेहां हैगियां, डेलीगेट आ जां होर स्प्रेहां जिहड़ियां कि तुसीं करदे हो तां
काफ़ी हद तक खुशकी दे विच जूं कंट्रोल करन तो बाद भी तुहाडे नरमे दे उत्ते गुलाबी सुंडी नूं भी कंट्रोल करन जी तुहाडी मदद करदे आ। पिछली बार सी आई सी आर दी रिकमेंडेशन सी, पर जिहड़े एस पी ग्रुप ने जिन्हां दे विच थ्रिन लगदा हैगा, चाहे साइपर मैथरिन है, चाहे लैमड़ा साई हैलो थ्रिन है, चाहे अल्फा मैथरिन है, डेल्टा मैथरिन है, जां फैनफो थ्रिन है, जां होर काफ़ी तरह के जिहड़े एसीफेट आ, मोन ऑरगैनो फॉसफेट्स जिहड़े हैगे आ, कई बार बूटे नूं कच्चा करदे आ, जां जिहड़े थ्रिन ग्रुप आ उह बूटे नूं खुश्क करदे आ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਮੱਛਰ ਵੱਧਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਵੱਧਦਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਮੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਰਮਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫੋਸ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਤੋਂ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਸੈਂਪੂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਹੀ 300 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਵਾਲਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਸਪਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘੋਲੋ, ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਰੋਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫੁੱਲ ਫਲਾਵਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ 2-2, 4-4 ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਘੱਟ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ 13-0-45 ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ 3:30 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 3:30 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ 3:30 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਫਲਾਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 50 ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 4x4 ਫੁੱਟ, 4.5x4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਾ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਯੀਲਡ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਸੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, 5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।